से? मैम महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है तो हमारी सारी पार्टी के लिए ही ये एक ऐतिहासिक जीत है, और जाहिर सी बात है हम सब कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत इस चीज़ को लेकर धन्यवादी हैं पूरे महाराष्ट्र की जनता के, पूरे भारत की जनता के, टू बी ऑनेस्ट। मैम चीफ मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? ये तो खैर अब हमारी जो पार्टी है उनका ये बनता है, इट्स देयर प्रेरोगेटिव। और हम लोग तो खैर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो पार्टी है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबकी एक से बढ़कर एक हमारे पास नेतृत्व के लिए लोग हैं। तो उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी तरीके से हार होगी, आपको ये उम्मीद थी? ये मुझे उम्मीद थी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह, और मेरे काफ़ी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं, जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं, और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं। आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन दैत्य हैं। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कांग्रेस पर पीएम ने सिर्फ परिवार और लड़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया, कैसे देखते हैं? उनको भी एक पब्लिक से काफी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है, ये देश बड़े ही बलिदान देकर देश बना है, और किसी के ऐसे कहने से या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे।